हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये प्यारा सा हैवी नेट का लहंगा बनाना बताएंगे और बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ रहा हो लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है जैसे आप देख रहे हो, और बहुत ही इजी वे में आप ऐसा नेट वाला लहंगा माता रानी का बना सकते हो। अब चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए मैंने नेट लिया है और ये देखिए इसमें सीक्वेंस भी लगे हैं और एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। तो इस नेट से हम माता रानी का हैवी लहंगा नेट वाला बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने लेंथ इसकी 9.5 ली है, ये देखिए 9.5 है, और इसकी हमने इसकी चौड़ाई हमने 34.5 ली है। ठीक है, अब इसी का हम जो बेस है कॉटन का कपड़ा वो हम कट करेंगे, और इसी साइज का कट करने के बाद ये देखिए मैंने कट कर लिया है सेम साइज़ से, और अब हमें इसमें सिलाई करनी है। तो सिलाई हमें देखिए हम ऐसे रखेंगे और हमें ये सिलाई ऐसे करके यूं करके पूरी नीचे से पूरी करनी है। चारों तरफ हमें सिलाई अटैच कर देना है जैसे, तो हम इसको अटैच करेंगे तो चारों तरफ हमें ये सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से हम पूरी, तो देखिए हमने ये सीधा पार्ट हमें कॉटन का भी रखना है और सीधा पार्ट हमने सीक्वेंस का भी रखा है कढ़ाई का। अब हमें ये चारों तरफ से ऐसे अटैच करके पहले सिलाई कर लेनी है जैसे मेरा कपड़ा हिले नहीं। उसके बाद ये देखिए जो किनारी होती है कपड़े की, अगर आपके है तो आप उसको फोल्ड ना करिए, तो मेरी नहीं है इसलिए मेरी देखिए किनारी है इसलिए हम इसमें फोल्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप इसको फोल्ड करके सिलिएगा। तो हम ऐसे करके पहले अटैच कर लेंगे। तो देखिए अब हमने ये लेस ली है, इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो पहले हम अटैच करेंगे उसके बाद ये लेस लगाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दोनों को अटैच करना है। तो हम देखिए पहले सिलाई करके इसको हमें चारों तरफ से अटैच हम कर लेंगे, जैसे हम सिल रहे हैं वैसे हमें ये पूरी किनारी लगा के, अगर आप ऐसे आपका हिलता है नेट तो आप पिन लगा करके फिर अटैच करिएगा तो आपका ये नेट नहीं लेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके हमें ये चारों साइड हम इसको ऐसे करके जैसे हमने एक साइड ऐसे अटैच किया है ऐसे हमें चारों तरफ से अटैच कर लेना है, फिर हम इसमें लेस लगाएंगे। तो हम इसको अटैच कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हमने अटैच कर दिया है, हम लेस लगाएंगे। तो हमें लेस हम ऐसे करके हमें ये सिलना है और इसके ऊपर फिर हम दूसरी लेस लगाएंगे। ये किनारी देखिए प्लेन है तो इसमें हमें हम हैवी लेस एक और लगाएंगे जिससे ये लुक इसका और हैवी लगने लगे। तो ये देखिए हम इसको ऐसे करके पूरा अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने अटैच कर लिया, अब हमें एक उसके ऊपर लेस लगाएंगे क्योंकि मेरी किनारी लेस की प्लेन है, और इसमें अब ये एक और लेस लगा के इसको अटैच करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी अटैच करना है, तो हम इसको पूरी किनारी में ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये अब गोल्डन लेस लिए एक और, अब मैंने वाली लेस लगा दी है। अब इसको हम ये लेस इसके ऊपर अटैच करेंगे जैसे हमने उधर किनारी में लगाया है, तो इधर भी हम इसको ऐसे करके अटैच कर लेंगे। ऐसे ये हैवी बॉर्डर वाली देखिए लेस तैयार हो गई है, और इसको हमें ये अटैच करके लुक और हैवी हो जाएगा। तो इसको हमें ऐसे करके अटैच करके पूरा लगा लेना है, तो हम ये पूरा लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने लगा लिया है, अब हमें साइड साइड में टिश्यू लेस हमने ली है और इसको हमें साइड साइड में लगाना है। ये देखिए इस तरह से हम ये फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अब हमें साइड में ऐसे लगाना है जैसे मेरा साइड के दोनों जो पार्ट कपड़े के हैं वो कवर हो जाए और लेस कवर हो जाए, तो जैसे ये खुलेगी नहीं और आसानी से आप इसको वॉश कर सकते हो, ये खुलेगी नहीं। तो ये ऐसे करके देखिए हम इसके ऊपर ऐसे कवर करके इसको हमें ये टिश्यू लेस लगा देंगे। तो ऐसे करके हम इसको पूरा किनारी में लगा लेंगे, ऐसे हमें दोनों साइड किनारी पर लगाना है। तो देखिए दोनों साइड हमने टिश्यू लेस लगा लिया है, अब हम ये कमर पे प्लीट्स डाल लें। तो ये हमें एक के ऊपर एक करके पहले हम दो तीन प्लीट्स बना लेंगे, उसके बाद हमें ये सिलाई इसमें अटैच करनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें प्लीट्स उठानी है, तो 1 इंच तक हमें ये देखिए ऐसे उठा रहे हैं और उसके ऊपर हमें दूसरी प्लीट्स रखनी है। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे उठाएँगे इसको, एक के ऊपर एक रख के हमें ये कम्प्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें उठाना है और दो तीन प्लीट्स हम ऐसे उठा लेंगे, उसके बाद हमें सिलाई करनी है।
अब देखिए हम सिलाई करेंगे। तो देखिए हमें ऐसे करके एक एक प्लीट्स डालते हुए हमें ये कंप्लीट करते जाना है। तो ऐसे करके आराम से आपकी प्लीट्स बन जाएगी। तो एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमें प्लीट्स डालनी है। देखिए एक के ऊपर एक हम ऐसे रखेंगे और एक साथ हमें दो तीन प्लीट्स ऐसे बनानी है, उसके बाद हमें सिलाई चलानी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सिलाई चला लेंगे। तो देखिए अब हमें नीचे से ये प्लीट्स को क्लियर करना है और इसमें हमें कच्चा सिलाई करनी है, वो भी हाथ से, जैसे ये मेरी प्लीट्स बराबर से आ जाए और बिल्कुल बैठ के आए। तो हम इसको कच्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम ये थ्रेड खोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमें बस ये ऐसे करके बराबर से रखते हुए जाना है और उसके बाद हमें ये कच्चा करते जाना है। ये देखिए इस तरह से कच्चा करेंगे और करते हुए फिर हमें इसको पूरा कम्प्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है और इसको हम थ्रेड को कट कर लेंगे। और पहले हम ऊपर नेफा लगाएंगे, उसके बाद इसको हमें खोलना है। तो अब नेफा हम पहले ये जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। हमने सिलाई की थी तो जो एक्स्ट्रा निकला है उसको हम कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। और उसके बाद इसमें अब हमें नेफा लगाना है, कमर की पट्टी लगानी है। तो अब कमर की पट्टी के लिए हमें कपड़ा कट करना है। तो ये देखिए हमारी कमर ये 6.5 है। ठीक है, अगर आप मेरी मार्बल की माता रानी है उस हिसाब से हमने ये कमर ली है, और अगर आपकी माता रानी की जैसे अष्ट धातु की हैं तो आप थोड़ी साइज कम लीजिएगा। अभी देखिए हमने ये चौड़ाई 3 इंच ली है, लंबाई हमने इसकी 9 इंच ली है और इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो देखिए हमने ये साइड में फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करके हम पहले एक सिलाई लगाएंगे। तो हमें ये जो हमने सिलाई नीचे कमर में लगाया है उसके नीचे करके हमें लगाना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये पूरी सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमें दोनों साइड से ऐसे कपड़ा फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको हमें बैक में फोल्ड करेंगे और इसमें डोरी डालेंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद अब हमें थ्रेड को कट करना है। तो हम पहले डोरी डालेंगे। तो ये डोरी हमने ली है और गोल्डन डोरी ली है, इसको हमें मिड में डालना है इसके नेफा के। और ऐसे डालने के बाद अब हमें इसको फोल्ड करके और बैक में ले जाना है। बैक में ले जा करके आप चाहें तो इसको हैमिंग कर सकते हो या फिर आप इसको सिलाई मशीन से इसको अटैच कर सकते हो। तो देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें ये यहाँ पे लगाना है। तो हम फिर से यहाँ पे सिलाई चलाएंगे बैक से और हमें ऐसे चढ़ाना है कि ये देखिए कमर के मेरे घेर पे ना आए और ये पट्टी पे आए। तो ये इस तरह से रखेंगे। तो देखिए हमें डोरी इसके अंदर ऐसे रखनी है, लेकिन डोरी पे सिलाई नहीं चलानी है। तो ये देखिए हम ऐसे करके डोरी साइड में कर देंगे और साइड में करने के बाद फिर हमें सिलाई चलानी है। तो हम ये पूरी ऐसे सिलाई चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे, फोल्ड करेंगे अपने कपड़े को और फिर इसमें हमें सिलाई चढ़ानी है। तो ये हमें घेर पे नहीं आए ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे करके हम ये पूरी सिलाई कर लेते हैं। तो ये मेरी कमर पट्टी या नेफा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब हमने ये लहंगा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमें टेसल लगानी है। तो ये देखिए हमने ये मैचिंग की टेसल ली है और इसको डोरी में केवल नॉट लगा के बांध देना है। तो हम इसको बांध देंगे।
तो देखिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने ये नेट और ये कॉटन का कपड़ा कट किया है। इसकी हमने लेंथ 4 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसमें हमें नेक कट करना है। तो देखिए हमें ये 1 इंच हम ऊपर से यहाँ पे निशान लगाएंगे और नीचे से हमें 1.5 इंच आना है और हमें शेप देना है। तो ये 1.5 इंच हम आएंगे और यहाँ पे अब हमें निशान लगा के और इसको हमें शेप में आप चाहे गोलाई दे या वी शेप में आप इसको ऐसे शेप देंगे और इसको हमें कट कर लेना है। और साइड में भी ऐसे ही हमें करना है। तो हम यहाँ पे हल्का सा हमें देखिए हम यहाँ से आएंगे। और यहाँ पे अब हमें ये देखिए हम शेप हमें देना है। तो हम ऐसे करके शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे शेप देना है और ये गोलाई में हमें दे करके आर्म होल जैसा निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से गोलाई देंगे। तो हमें ये पूरा 2 इंच तक हम नीचे लाएंगे और इसको हमें शेप दे करके कट कर लेना है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये कट कर लिया। तो मेरा ये शेप हो गया। ऐसे ही हमें ये ऐसे करके कट करना है। तो ये देखिए कमर पे हमने ये पतला रखा था इसलिए हमने वैसे शेप किया है। अब इसको हमें हमने कट कर लिया है। अब हम इसको देखिए हमें सिलना है। तो हम दो पूरा ये कमर पे नहीं सिलना है। तो हम पहले ये देखिए साइड्स पे सिलेंगे। तो ये साइड से हमें ऐसे सिलना है और फिर हमें ये स्लीव पे करके फिर हमें फोल्ड करना है। तो हम ये पूरा ऐसे देखिए हमें ये पूरा ऐसे करके गोलाई पे ये जो हमने नेक की गोलाई है वी शेप है उसको हमें सिल लेना है और फिर हमें इसे फोल्ड करना है। तो हमने ये उल्टे कपड़े रखे हैं कॉटन का भी और नेट का भी। अब ये देखिए इस तरह से हम ये ऐसे कर देंगे और करने के बाद अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम इसको सीधा कर लेंगे और इसमें हमें डोरी लगा लेंगे और नीचे लेस लगा लेना है। तो हम पहले फोल्ड कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमें ये डोरी यहाँ पे लगानी है। ऊपर हम डोरी लगाएंगे और लेस लगाने के लिए पहले हमें कपड़े को देखिए हमें फोल्ड करना है। तो हम पहले देखिए इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे, यूं करके फोल्ड करके फिर इसमें डोरी लगाएंगे तो ये सेफ हो जाएगा कपड़ा। तो ऐसे करके हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये लेस लगा दी है नीचे और बैक से डोरी लगा दी है और ये देखिए यहाँ पे लगा दी है। आराम से माता रानी को आप पहना सकते हो। तो इस तरह से हमने ये चोली कंप्लीट कर ली है। तो मेरी चोली भी कंप्लीट हो गई है, लहंगा भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरह से ये हैवी लहंगा माता रानी का कंप्लीट हो गया है। और मैंने चुन्नी भी इसी सीक्वेंस नेट वाले से मैंने चुन्नी भी बनाई है नेट वाले से और उसमें हैवी लेस लगा दी है। तो देखिए इस तरह से ये हैवी लहंगा कंप्लीट हुआ है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलेगा। बेल आइकन का बटन दबा दिएगा जिससे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।